हेलो स्टूडेंट्स लेट्स द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं ऑप्शन को और समझते हैं सोडियम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन अगर सोडियम क्लोराइड बनाना है तो हमें सोडियम चाहिए और क्लोरिन चाहिए तो सोडियम कैसे नहीं इन्वॉल्व होगा सो दिस इज नॉट योर आंसर द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ इन तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन अब चलो थोड़ा सा क्रिस क्रॉस मेथड में जाते हैं और करते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो इसके लिए हमें चाहिए सिम्बॉल्स नीचे नीचे लिखेंगे इसके वैलेंसी तो सोडियम का वैलेंसी होता है वन और क्लोरीन का वैलेंसी होता है वन तो अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे हमें मिलना चाहिए ए ए सी एल वन को हम ऑमिट करते हैं तो एन ए सी एल होना चाहिए जबकि यहाँ पे एन ए सी एल टू लिखा हुआ है सो दिस इज योर आंसर ये स्टेटमेंट सही है क्लोरीन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन जो कि ऑप्शन सी में है ये कैसे हो सकता है क्लोरीन भी तो चाहिए हमें सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए तो ये स्टेटमेंट गलत है द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड करेक्टली अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं तो समझाते हैं आपको देखो अगर NaCl2 सी एल टू के हिसाब से देखे तो तब ये बैलेंस्ड है प्रॉपरली बैलेंस्ड है लेकिन अगर सही सही हम लिखे सोडियम क्लोराइड का जो भी फॉर्मूला है उसको तो कुछ इस तरीके का होगा तब कैसे बैलेंसिंग करेंगे तब बैलेंसिंग के लिए इस तरीके का बैलेंसिंग हो जाएगा लेकिन क्योंकि यहाँ इन्हें दिया है तो उस हिसाब से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और दैट इज़ वाई डी को हम नहीं मार्क करेंगे अपना आंसर ठीक है बी को ही मार्क करेंगे अपना आंसर आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच